जी, समय पहले जिस बिल्डिंग में आप इस वक्त मौजूद हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग है जी। इसकी जो एक्सटर्नल वॉल है उसके ऊपर पिक्चर वॉल है, और जो इसकी रूफ़ है, जो छत है, वो है हमारा शीश महल। जिस दरवाजे से मैं और आप एंटर हुए हैं, ये ब्रिटिश दौर में निकाला गया था। इससे पहले सिर्फ इसकी एंट्रेंस जो थी, सिर्फ और सिर्फ मुग़ल पीरियड में और सिख पीरियड में फ्रॉम द शीश महल थी, सिर्फ वहाँ से एंट्रेंस होती थी। और ब्रिटिश ने इसके अंदर और भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, इसको डीफोर्टिफाई किया है, कि काफ़ी इसमें भूल भुलैया की जगह थी, खुफिया रास्ते थे निकलने के, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किए, उसमें से बीच में से पंक्चर्स किए दीवारों के बीच में से। ये बेसिकली जिस सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, जब बाहर गर्मी ज़्यादा होती थी, तो नीचे किंग्स एंड क्वीन एम्प्रेसेस, शहजादे किंग्स नीचे आप बेसमेंट में आ जाते थे। यहाँ पे आपने पीछे खिड़कियाँ देखी होंगी जहाँ से रोशनी आ रही, हवा का पैसेज यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्लो होता है। इसके साथ ही बाहर रावी गुजरा करता था, जिसकी वजह से ठंडी हवा अंदर आती थी। अंदर कम से कम तकरीबन 12 के पास हमारे फाउंटेंस लगे हुए, जो दीवारों में से पानी, जिनका निकास का सिस्टम है, उस फाउंटेन की वजह से भी ये अंदर इसका एटमोसफेयर बड़ा एक कूल एटमोसफेयर रहता है गर्मियों के अंदर। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर टुवर्ड्स बैक साइड, ये सारा का सारा कनेक्ट होगा। हम सबसे पहले फर्शों से स्टार्ट करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, इसकी 3D स्कैनिंग करेंगे कि देखेंगे इसके पीछे चैम्बर्स कौन से बंद हो चुके हुए हैं या कौन से हमने खोलने हैं। इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, स्ट्रक्चर को इसको स्टडी किया जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर वीक है, कौन से स्ट्रक्चर को हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, या इसमें क्या हम इंटरवेंशन की जा सकती हैं। फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, एक पतली ब्रिक के साथ, चूने के साथ, और आपका कसूरी मिट्टी, दाल और अंडों के साथ मिक्स करके इसकी मोटर बनाया जाता था। सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता था उस टाइम पे, जिसको कंस्ट्रक्ट करते थे, और टाइम के साथ साथ ये मजबूत होता था। बनिस्बत जो आज का मॉडर्न मटेरियल है, तकरीबन कोई 20-20 फुट, 25-25 फुट की दीवारें हैं जिसके पे पूरे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग अपनी स्ट्रेंथ पे के साथ खड़ी है, सारा सारा फोर्ट्स पे खड़ा हुआ।